शायद इस फॉर्मूला को अगर आप अपनाते हो तो आप अपना घर को भी देख लोगे, अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल लोगे और अपना पढ़ाई को भी हैम्पर्ड नहीं होने दोगे। दैट मीन्स टू से कि अपना प्रिपरेशन भी आप करते रहोगे। तो करना क्या है आप लोगों को कि देखो, जो काम आपका बनता है आपको तो करना ही पड़ेगा, आपका परिवार है, आपको उनको सपोर्ट करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरा। लेकिन कम से कम आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और मेरा क्या मानना है कि 72 घंटा पढ़ने से नहीं होता है। कोई बहुत सारा स्टूडेंट ये भी मुझसे पूछता है कि सर हम एक दिन में कितना घंटा पढ़ेंगे, कितना और पढ़ लें तो हम एक जुडिशियल एग्जाम को कम्प्लीट कर लें। अरे बाबू, कितना घंटा पढ़ने से क्या मतलब होता है? मान लो कि आज हमने 15 घंटा पढ़ लिया, तो अब हमने आज 15 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन फिर सोए हुए हैं और कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे काम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कदम आपका छोटा ही हो लेकिन आपके लक्ष्य तक डेली बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको जो कहानी सुनाया गया था कि खरगोश और कछुआ का रेस हुआ और खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया, इस कहानी से भी बहुत लोग कुछ नहीं समझे और ना ही समझ पाए कि क्या लाइफ लेसन आपको दे के चला गया। कछुआ का स्टेप भले ही छोटा था लेकिन रुकता नहीं था, वो चलते चला जा रहा था। खरगोश का जो स्पीड था बहुत तेज था, स्पीड अप करने के बाद जाके वो रुक जाता था, स्थिर हो जाता था। अंत में क्या हुआ? एट द एंड कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया।